नमस्कार दोस्तों, DSR 20 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि गोला ब्रांच जो है सहारा इंडिया का, वो आज यहाँ पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैनरा बैंक के ऊपर में जो है सहारा इंडिया का आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये जो है आज हम आए हुए थे, तो आप लोगों को एक ऐसे बंदे से मिलाऊँगा दोस्तों जो आज यहाँ पर तो करीबन फिक्स में 14 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो आया हुआ था अभी आज ऑफिस में, लेकिन उनको अपडेट मिला कि भाई अब 2 दिन टाइम लगेगा जो, क्योंकि सब तो जब अदालत पे चला गया है तो वहीं से जो भी सुनवाई होगा वो तो वहीं से होगा। तो दोस्तों हम लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे दोस्तों। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, आप लोगों को मैं अपडेट देते रहूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं सहारा इंडिया का ऑफिस है, गोला ब्रांच जो है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गोला ब्रांच है, वहाँ का है। यहाँ पे जो है बातचीत हो रही है दो लोगों के बीच में। यहाँ पे दो ही कार्यकर्ता अभी बैठे हुए हैं पूरे ऑफिस में, जबकि ये ऑफिस पूरा खचाखच भरा रहता था दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दो लोग हैं और दोनों लोग से बातचीत हुई, तो बोले कि अभी अपडेट न्यूज़ जो है मिलेगा तो आज कल एक दो दिन में। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को और भी अपडेट मिलते रहेगा। तो दोस्तों ये आदमी जो खड़ा देख रहे हैं, ये करीबन 14 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है। उस समय तो सबको उम्मीद था, उस समय सबको उम्मीद था कि मैंने अभी जैसे जो उसका हम नहीं, यही एक तो सहारे के ऐसा था प्राइवेट बैंक जो LIC को भी डाउन नीचे कर दिया, सबको डाउन कर दिया। और यही वजह है कि आज लोग उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया यही सोच के किया। लेकिन देखिए ये यदि पैसा मिल जाए तो बहुत सारे यदि ठीक से हो, लेकिन हम उम्मीद नहीं रखते। नहीं देखिए उम्मीद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद से ही नहीं वो बात नहीं, हम दूसरा देखेंगे जैसे आदमी को पेमेंट दे दिया फिर नया कैंडिडेट को यदि हिम्मत नहीं करेगा। नहीं एक बार हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि एक बार जो है बहुत बड़ा चीज़ है। और मैंने हिम्मत करके आदमी जब दे दिया है तो वो तो भाई जान गया है कि अब तो मेरा कोई उपाय नहीं है कुछ। ये कोई बात नहीं, कोशिश है। देखिए अमित शाह जी बता रहे हैं कि 9 महीने के अंदर किया है ऐलान, तो कुछ ना कुछ अपडेट कुछ अपडेट मिलेगा जरूर। जुलाई तक में चलिए, भरोसे के ऊपर ही सब चीज़ है ना। अब तो
हाँ जब ढेकी में माथा दे दिए हैं तो चोट से क्या डरना, चोट से क्या डरना, नहीं दे करने पड़ेगा। निराश होते हुए जाते हुए।